ಮಾಲ್ ಬಜಾರ್ ನ ಯಾಸಿನ್ ಸಾಬ್ ಮಸೀದಿಯ ಆಫೀಸ್ ಸಾಬ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಮುಬೀನ್ ಆಫೀಸ್ ಸಾಬ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಜಮಾತ್ ನವರು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿ ಅವರ ತಲೆದಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಓಫ್ ಮಂಡಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮಗೆ ಮುಬೀನ್ ಆಫೀಸ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಬೇಡ ಬೇರೆವರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಓಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವರ ತಲೆದಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಆಫೀಸ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಅವರೇ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುನ್ನಡೆದರು ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳು ಬಂದವು ಆ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಅವರು ಏನು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತಕಂತದ್ದು ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳೋಣ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಇಜ್ಜಾಮ ಲಗ ಆಫೀಸ್ ಸಾಬ್ ಅವರನ್ನ ಗಾಲಿ ದಿಯೆ ಮಸೀದ್ ಮೇ ಠೇರ್ಕೋ ಉನ್ಕೆ ಭಾಯಾಕೋ ಬುಲಾಕೋ ಲಡಿ ಕರಾಯೆ हमारे अदबे के ऊपर अटैक हुआ वो ऑफिस साहब हमने नहीं छोना वो ऑफिस साहब को निकाला बोल को मेमोरम रेडी करने को डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोर्ड को मेमोरम दिए वो देने के बावजूद में तुम्हें क्या करें इमिडिएटली मेमोरम दिए सो थ्री आवर्स में रिसिग्नेशन दे डाले क्या वजह में रिसिग्नेशन दिए कई को लिए तुम्हारे ऊपर इंतजाम लगे छः सात साल से तुम्हें यासीन साहब मस्जिद के इमामत कर रहे थे जब ने इसको एलिगेशन अब क्या वजह कहा क्या बोलना चाह रहे हैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء صدق الله العظيم سب سے پہلے تو میں جے کے نیوز کے مادھیم سے یاسین صاحب محلے کی عوام کو آج سچائی بتانے والا ہوں کیونکہ اب تک ہماری لوگ ہمارے محلے کی عوام جو ہے بہت گمراہ ہے عبدل بھائی اور ان کی فیملی والے جھوٹ بول 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 کے لوگوں کو اتنا گمراہ کر دیے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ابھی تک پریشان ہیں तो मैं यहाँ पर आज बताना ये चाह रहा हूँ दरअसल उस दिन क्या हुआ जिस वक्त ये गलाटा हुआ उस वक्त जोहर की नमाज हुई जोहर की नमाज के बाद वक्फ बोर्ड ऑफिसर अताउल्ला साहब तशरीफ लाए आने के बाद मैं जा रहा था तो उन्हें बोले कि दो मिनट रुक जाइए हाफिज साहब मैं नमाज पढ़ नमाज के बाद मैं फिर पहुँचा पहुँचने के बाद जो है वो बैठे हुए थे बैठने के बाद मैं पूछा क्या बात है तो हाफिज साहब वही चंदे का मामला बोले मैं बोला क्या बात है तो चंद दिन पहले क्या हुआ रमज़ान में जो चंदा होता है उसके बारे में जो है अताउल्ला साहब आकर जो है बैठकर मुझे और मौजिन साहब को और हमारे मोहल्ले के एडवोकेट अब्दुल माजिद साहब को जिम्मेदारी देकर गए देखिए साहब आप लोग चंदा कीजिए क्योंकि इस वक्त मस्जिद का इलेक्शन है हम किसी को जिम्मेदारी नहीं दे सकते आप और मौजिनीन मिलकर चंदा कीजिए जो भी रकम है लाकर अब्दुल माजिद साहब के हाथ में जमा कीजिए तो मैं उसी को फॉलो अप करते हुए क्योंकि मेरा पैर थोड़ा सा माजूर है इस वक्त क्योंकि जो है रमज़ान से पहले मैं मस्जिद में गिर गया था जिसकी वजह से मेरे पाँव में दर्द था लेकिन मैं हुक्म की तकमील करते हुए गया चंदे को गया लोगों के साथ मौजिनीन के साथ और मोहल्ले के काफ़ी लोग हमारे साथ रहे हम लोग चंदा किए लाकर बराबर दिया लेकिन उसके बाद क्या हुआ वक्फ बोर्ड ऑफिस में जाकर अब्दुल भाई और उनके जो है फैमिली वाले गड़बड़ किए बोले कि नहीं इमाम साहब कैसा करते मौजिन साहब कैसा करते इस वजह से क्या है ऑफिसर को मजबूरन आना पड़ा ऑफिसर अभी आए नहीं थे आने से पहले दो दिन तक मस्जिद में बड़ा जुल्म किए लोग मौजिन साहब जो हमारे सैयद हैं आले रसूल हैं उनको गाली गलौज किए छोटी छोटी बात को ला रहे हैं गाली गलौज करना छोटी छोटी बात को गुस्सा करना तुम्हें निकल जाओ मस्जिद से तुम्हारा हो गया ऐसी बातें करना मैं खुद भी जाकर अरे मौजिन साहब हैं बोलकर उठा कर लेके गया लेकिन उसके बावजूद बहुत बातें किए मैं दोहराना नहीं चाहूँगा उस बातों को लेकिन उस दिन असल क्या हुआ ऑफिसर आने के बाद मैं गुजारिश करा देखिए साहब रमज़ान है जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए लेकिन उसके बावजूद जो है ऑफिसर और चेयरमैन साहब बिठाकर जो है समझाने की कोशिश किए वो एक हादिसा अचानक से उनकी तरफ से भी हमारे बच्चे जो हैं बैठे हुए थे अचानक हो गया ना इसमें कोई प्लान है ना कोई इसमें जो है मनसूबाबंदी है आए बात करने के लिए बैठे बात करने के लिए और उससे पहले मैं बताना ये चाह रहा हूँ हमारी आवाम को मैं गुजारिश किया कि अब इस वक्त मत बिठाइए दोनों को भी मत बिठाइए मैं अब्दुल माजिद साहब से भी जिक्र कर रहा था और ऑफिसर साहब से भी जिक्र किया मत बिठाइए क्योंकि हालात ठीक नहीं है जैसा हुआ मैं लेकर चलूंगा 15 दिन गुजर गए अभी 15 दिन मैं संभाल लूंगा लेकिन उसके बावजूद दोनों को बिठाकर बात की गई तो लिहाजा असल मामला है चंदे का लेकिन उसको क्या किया गया एक दूसरा रुख दे दिया गया कोई स्लिप लगाने आए थे कोई जो है नोटिस लगाने आए थे फला फला ये सब झूठ है ये सब झूठ है अल्लाह ताला झूठों पर रहम नहीं फरमाता कभी भी असल मामला कुछ और है यही लोग जाकर ऑफिसर को हमारे ऊपर कंप्लेंट करके उनको कैसा देते चंदे को मस्जिद में बैठकर भी बोल रहे थे चंदा ही नको करो क्या देना वो इमाम साहब को ऐसी बातें लेकिन मैं दोनों फरीकों को भी समझाता रहा और सबसे पहले तो मैं मजम्मत करता हूँ ये गलत है
जो लड़ाई हुई रमजान के महीने में ये गलत है। मैं दो फरीकों को भी जो है मजम्मत करता हूँ और जो है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन उस वक्त एक हादिसा हो गया, लेकिन मैं बराबर से दोनों को भी समझाता रहा और दोनों को छुड़ाता भी रहा इस मामले में। लेकिन बिला वजह नाहक तौर पे जो है गाली गलौज इधर से भी हुआ उधर से भी हुआ, अल्लाह गवाह है मैं अपनी जबान से एक गाली भी नहीं निकाला। क्यों, मैं खुद हजारों लोगों को समझाने वाला हूं तो मैं गाली कैसे दे सकता हूं। अचानक से मैं ऑफिसर को बोला मस्जिद में, साहब आप नहीं बिठाते तो इतना बड़ा काम नहीं होता था। तो हमारे जो जनाब अब्दुल साहब हैं उन्होंने फरमाते हैं अरे तू क्या बोलने आया जा रहे यहां से। तो उसके बाद जो है तकलीफ होती है मुझे, क्योंकि ये लोग क्या चाह रहे हैं, मेरे माँ बाप को मेरे सामने गाली देते हैं, मेरी बीवी को गाली दिए तो मैं संभाल लेना चाहिए, मैं सिर्फ अरे बोलता हूँ तो इनको तकलीफ होती है। मैं जब तक अरे नहीं बोला जब तक कि वो मेरी जात को अरे नहीं बोले। जिस इमाम के पीछे ये लोग नमाज पढ़ते हैं, 10 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, इनके हर अच्छे बुरे वक्त इमाम उनके साथ रहता, पैदाइश से लेकर जो है कब्रिस्तान तक जाने तक इमाम इनकी हर वक्त मदद करता है। तो ये लोग जो है आज बिला वजह हम पर जो है बेबुनियाद इल्जाम, मैं गाली दिया मस्जिद के कट्टे पर गाली दिया, ये सब गलत बातें हैं, बहुत गलत बातें हैं। क्योंकि जब मैं बाहर आया मेरे पैर को तकलीफ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है रमजान से पहले मैं मस्जिद ही में गिर गया था, मस्जिद ही में गिर गया था। लेकिन लड़ाई के दौरान जो है मैं उनको दोनों को समझाने के चक्कर में हमारे कलीम साहब जो है पैर पर लात मारते, फिर भी मैं बर्दाश्त किया, मैं बोला नहीं मेरी फैमिली को, मैं किसी को नहीं बोला, क्यों मार दिए। खैर वो एक हादसा था, मैं भी उस हादसे को हादसा समझा, लेकिन गाली तो मैं बिल्कुल नहीं दे। बाहर आने के बाद मैं बराबर से जो है रमजान शुरू हुए जब से मैं खुद लंगड़ कर जाकर मस्जिद में बैठकर मस्जिद की हर जिम्मेदारी को हमारे हुफाजों को रखकर पूरा कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद बाहर आने के बाद अब्दुल भाई बोलते हैं तू चार चार को रखकर नमाज पढ़ाता क्या रे, ये अल्फाज है उनके। तो मैं उस वक्त जो है एक जुमला मैं भी बोला, क्या बोला, तू दिया क्या पैसे, क्यों इतना मेरे माँ बाप को गाली सुना, इतना मेरी जात पर हमारे बीवी बच्चों पर सब पर ये लोग जो है बोलते हैं, तो मैं सुनना चाहिए, सिर्फ मैं एक जुमला बोलता हूं तो आज मुझे जो है गाली दिया इमाम जालिम इमाम, ये लोग जो है आज बदनाम कर रहे हैं, ये सरासर मेरे ऊपर जुल्म है। मैं जो है आपके जेके न्यूज के माध्यम से लोगों तक सच्चाई पहुंचा रहा हूं, और सबसे अहम सच्चाई अब बताता हूं 2 मिनट के लिए, क्योंकि 2 साल से ये मुसलसल मस्जिद का मामला चल रहा है, 2 साल से मोहल्ला गवाह है, मोहल्ले के लोग हमारे इतने अच्छे हैं, मोहल्ले से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, मेरा पूरा मोहल्ला मेरे साथ है। आज अफसोस इस बात का है कि मेरी मस्जिद खाली हो चुकी है, मस्जिद के लोग जो है सफों में नहीं है, जिन लोगों को 10 साल में मेहनत कर करके गली गली जाकर लोगों को समझा कर लेकर आकर मस्जिद में जोड़ा, आज वो बच्चे खाली हो चुके हैं मस्जिद, अल्लाह ताला ये देख रहा है। तो मैं जेके न्यूज के माध्यम से एक बात बताना चाह रहा हूँ, 2 साल से हर वक्त किसी न किसी वक्त में आते हैं ये अब्दुल भाई, आकर जो है अपने ग्रुप को लेकर आके मुझे धमकियां देते हैं, गैर महसूस अंदाज में बात करने आए, जैसे आते हैं मेरी फैमिली को हम धरना देंगे, हम फलां करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, धमकियां। मैं संभालता रहा, मैं फैमिली को कभी नहीं बोला, क्यों, मैं अमन चाहता हूं, मैं जो है लोगों में जो है शांति चाहता हूं, इस वजह से मैं किसी को कुछ नहीं बोल, बस संभालता रहा हर मामले में। लेकिन बहुत जुल्म हुआ, मैं संभाला, आज तक नहीं बोला। आज इसलिए बोल रहा हूं, मेरे मोहल्ला मेरी मस्जिद की मैं इज्जत बाहर नहीं डालना चाहता था, आज मजबूरन आवाम मुझसे आकर कहने लगी कि हाफिज साहब आप भी जो है कुछ बोलिए, आप क्यों खामोश हैं, सच्चाई को आप आवाम के सामने लाइए, तो मैं आज बोल रहा हूं। तो लिहाजा ये सरासर मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, सरासर हमारे मस्जिद के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये लोग ज्यादतियां बहुत कर रहे हैं, मोहल्ले में किसी को प्रॉब्लम नहीं सिवाय अब्दुल भाई और उनकी फैमिली की, ये लोग मेरे पीछे हर नमाज पढ़ते हैं, हर मामले में मेरी मदद लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को 10 साल तक मैं अच्छा रहा 5 मिनट में वो लोग जो है मुझे चोर जालिम न जाने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं जो है अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है जो जो लोग ये बेबुनियाद इल्जाम डाले हैं अल्लाह उसका बदला उनको अता करे, उनको अता करे, क्योंकि मैं बेकसूर हूँ, मैं लोगों को संभालने वाला हूँ। और सबसे शर्मनाक बात तो ये है कई लोग आज मस्जिद छोड़कर जो है तरावी तक नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों, अरे आप नहीं तो क्या पढ़ना। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इसको जोड़ने के लिए जो मुझे मेहनत लगी, मैं मेरे घर बार में कम वक्त दिया और आवाम को ज्यादा मैंने जो है वक्त दिया, क्यों दिया, मैं आप जानते हैं 4 से 5 जगह मैं दर्श देता हूँ, सब फ्री में देता हूँ, आवाम को सुधारने के लिए मैं जो है फ्री में दर्श देता हूँ, अपने पैसों से वहां तक जाता हूँ, और मैं आज तक गवाह है लोग जहां जहां मैं दर्श करता हूँ 1 रुपया मैं किसी से लिया नहीं, ये लोग सब बेबुनियाद मेरे ऊपर इल्जाम डाल रहे हैं। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ, ये लोग जो है आपके सामने आते हैं झूठ बोलते हैं कि फलां क्या है, वो मस्जिद क्या, वो खा लिए, ये खा लिए, उससे मुझे क्या सरोकार, जो उन्होंने खाया है वो उसका जवाब देंगे। आवाम को गुमराह करके, मेरे ताल्लुक से लोगों को गुमराह करके
लोगों को बड़ा परेशान कर चुके हैं। मैं आवाम से गुजारिश करता हूं कि आवाम जब ये लोग आपके सामने आए तो आप सच्चाई को समझो, हकीकत को समझो, उसके बाद जो है आप फैसला। उस दिन अजीत का बोर्ड के ऑफिसर साहब थे जो लाटा हो रहा था तरावे में नमाज के लिए, 10:30 बजे नमाज पढ़ाना बोलो वहाँ के लोग डिसाइड करें, आपको वो डिसाइड को ओवरटेक कर को मैं सही टाइम पर मैं नमाज पढ़ाता हूँ बोल को आप अजान दिए, अजान देने के बाद ही स्टार्ट हुआ सो लाटा, कौन आए क्या बात करें आपके पास? समीर सेठ बोलते हैं मैं हाफिज साहब के पास पूछने गया, उन्होंने बेहोशों को पड़े मैं मारिया बोल को मेरे ऊपर इल्जाम डाल रहे, मैं नहीं मारिया करने का एक बात क्यों ना बोल रहे, क्या बोलते हैं इसके बारे में? उस दिन ईशा में अचानक से ऐलान हुआ कि 10 बजे अजान, 10:30 बजे जमात बोल के। मैं उस वक्त घर में था तो मैं फौरी मस्जिद को गया, जाकर मौजिन साहब से हमारे पूछा कि भाई ये ऐलान क्यों हुआ? क्योंकि नमाज का टाइमिंग जो तब्दील करना वो इमाम की जिम्मेदारी होती है। तो मैं पहुंचा तो मौजिन साहब बोले कि ऐसा, रहीम साहब आके बोले 10 बजे अजान, 10:30 को जमात। मैं आवाम आ गई थी, 8:15 हो रहे थे, मैं लोगों से पूछा तो लोग बोले तो वो झगड़ा क्या है वो बाद में कर लो, सब नमाज नमाज के टाइम पे करो। तो हमारे कई लोग वहां पर नमाज वाले आए थे, तो मैं क्या किया सीधे सीधे मौजिन साहब को बोला, मौजिन साहब डर गए थे दोनों भी, बोले कि हाफिज साहब हम लोग क्या करना बोलो मजबूर हैं। तो मैं खुद अजान दिया, अजान देकर जो है लोगों को बोला कि चलो नमाज के लिए, तो सब लोग नमाज के लिए चले गए अंदर। मैं भी जाकर पहली सफ में बैठा हुआ था, अचानक जो है अब्दुल भाई 50-60 जवान बच्चों को लेकर मस्जिद में आ गए, आकर जो है सीधे सीधे वहां आकर हाफिज साहब जरा बाहर आओ बात करने का है तुम्हारे से, बात करते करते इधर आओ। मैं आया तो मेरे सामने जो है बात करने के लिए जो है समीर सेठ साहब भी थे और जो है हमारे मोहल्ले के काउंसलर साहब भी थे, ये लोग बात करने के लिए आए। हुजूम इतना ज्यादा हो गया, अचानक से वहां पर गड़बड़ हो गई, कोई बच्चा जो है वजू के मुतालिक जिक्र किया तो गड़बड़ हो गई, तो उसके बाद जो है झगड़ा शुरू हो गया। वहां पर क्या हो गया, जैसे मैं पलटा मेरे पीछे वार हुआ, ये फसली में यहाँ पर जो है मेरे हिस्से में मार पड़ता ही मैं अंदर जाकर जो है बेहोश हो गया। बेहोश होना था उसके बाद का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे लिए सबसे अफसोस की बात यह है एक इमाम को ये लोग FIR करके जो है बिल्कुल कोर्ट को जाने के लिए मजबूर कर दिए। मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर कोर्ट को जाकर बेल लेकर आना मुझे पड़ा, ये मेरे लिए सबसे अफसोस की बात है। मैं जो है आपके JK न्यूज के माध्यम से जो है बताना चाहता हूँ, ये मेरे लिए नहीं, ये हाफिज के लिए शर्म की बात है, क्योंकि अगर इस तरह का आवाम अगर जुल्म करेंगे आवाम पर, अगर उलमा को खुद जेल की तरफ जाना पड़ेगा तो कौम की इसलाह कौन करेगा? मैं लोगों को जो है बस गुजारिश करता हूँ, मैं जो है सही सच्चाई को समझें, उसके बाद खुद फैसला कीजिए। वो ये है हमारे मोहतरम जनाब वली LP वली साहब ने पूछा कि मस्जिद में आज तक जो इस तरह का मामला नहीं हुई इमाम साहब के साथ वगैरह वगैरह, तो बड़ी शर्मनाक बात है, ये हमारे लिए नहीं बल्कि आवाम के लिए, इसलिए कि आवाम ही है जो हमें इमाम बनाते हैं, ठीक है ना, और इमाम के मर्तबे को आवाम समझ ही ना सके। जो जात 10-12 साल अपनी जिंदगी के लिए मस्जिद के लिए और आवाम के लिए वक्त कर दिया, सुबह शाम वक्त कर दिया हो, लोग कहेंगे कि उन तनख्वाह लेते हैं, अरे भाई तनख्वाह कितनी देते हैं, तनख्वाह अपनी जगह हो लेकिन घर बार से ज्यादा अपनी जरूरियात से ज्यादा आवाम की इसलाह के लिए, लोगों की इसलाह के लिए, लोगों को सही राह पर गामजन करने के लिए, सिरात मुस्तकीम की तरफ लाने के लिए सुबह शाम इन्होंने मेहनत की और इन्होंने उनको ये सिला दिया, ये बिल्कुल बुरी बात है। जिन्होंने इनके साथ जो है बदतमीजियां की हैं, गलत गलत बातें की हैं, वो कोई गैर नहीं है, वो भी अपने हैं, चाहे वो अब्दुल भाई हों, कलीम भाई हों या दिगर और हों, जनाब मोहतरम समीर सेठ साहब हों, वो सब हमारे दोस्त हैं, वो हमसे मोहब्बत करने वाले हैं। पता नहीं कि किस मजबूरियों की बिना पर उन्होंने जो है मौलाना के साथ बदतमीजियां की हैं, किन हालात के पेश नजर उन्होंने जो किया, या उन्होंने जाते खुद से किया है या किसी के दबाव को लेकर उन्होंने किया है, वल्लाह वालम खुदा बेहतर जाने। हम बस अल्लाह से तौफीक की दुआ मांगते हैं कि अल्लाह उन्हें तौफीक दे दे, लेकिन जो मौलाना के साथ बदतमीजा उन्होंने की ये बिल्कुल जो है बुरी बात है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जिस इमाम की इख्तदा सुबह शाम करते रहे, सुबह शाम जिस इमाम के आगे पीछे दौड़ते रहे, फिरते रहे, उनके मदह सराई करते रहे, अचानक से वो इमाम उनको जालिम नजर आने लगा, अचानक से वो इमाम उनको गुनहगार नजर आने लगा, अचानक से वो इमाम उनको बदतमीज नजर आने लगा, ऐसा तो नहीं होगा। इमाम बनाया किसने इनको? आप ही ने तो इमाम बनाया। इनकी इख्तदा की किसने? हमने तो जबरदस्ती, हमें अपने आप के पीछे तो आपको इख्तदा करने के लिए जबर नहीं किया, आपने इनको अपना इमाम बनाया, अपना खतीब बनाया, और ऐसे इमाम थे कि अहलियाने महल्ला को इन पर नाज था और है और सुबह क़यामत तक रहे, पूरे लोग इनकी तारीफ और तौसीफ बयान करते रहे, लेकिन पता नहीं कि अचानक ही इनको जालिम कैसे नजर आ गया। भाई आपने अभी सुना मौलाना ने कहा कि मैंने सिर्फ, अरे गलती से जबान से निकल गई, इंसान हम कोई फरिश्ते तो नहीं, इंसान वही है जिससे गलती होती है, और हर इंसान चाहे मैं हूँ या कोई और, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ आइब जरूर होता है, जिसके हम परेशान रहे। उसके बाद फिर क्या किए हम,
मौलाना के पास पहुंचे, क्योंकि फैसला करने के लिए जो उसूल है, जो रूल है, जो प्रिंसिपल है, वो ये है कि आप दो तरफ की बातों को देखें। सिर्फ एक तरफ देखने से कोई फैसला नहीं होता। एक तरफ का फैसला अवाम के दरमियान आया, उसमें लेडीज भी आई, मुख्तलिफ बातें हुई। मौलाना के पास पहुंचे, उनके घर वालों से और सारे सबूत के बारे में मैं मालूम किया, और उसके बाद जब मालूम हुआ कि सबूत है यहाँ पर, वहाँ तो कोई सबूत ये नहीं चलता। एक मुफ्ती, एक मौलाना, एक आलिम, एक जिम्मेदार आदमी होता है। हाफिज साहब इतने नेक इंसान हैं कि बयान नहीं किया जा सकता, और इतने बिगड़े बच्चों को इस कदर रास्ते पे लाए हैं, नमाजी बनाए हैं, रोजदार बनाए हैं, और जो घर के औरतें सर पे पल्लू नहीं डालते थे, बाहर बेपर्दे के घूमते थे, आज वो गली के औरतें पर्दे डालकर नकाब डाल के घूमने लगे हैं और घर में रहने लगी है और इज्जत के साथ घर में रह रही है। जिस तरह बेहयाई के ऐसा नहीं है आजकल माहौल में, हमारी मस्जिद के यासिन साहब मस्जिद के मोहल्ले में इस कदर औरतें सुधर गई है, मर्द बच्चे सुधर गए हैं, बूढ़े सुधर गए हैं, लेकिन हाफिज साहब के ऊपर जो भी इल्जाम लगाया गया है वो सब बेबुनियाद है। और हम सब मोहल्ले वाले यही चाहते हैं हमारी यासिन साहब मस्जिद के इमाम जो है सिर्फ हाफिज मुबीन हाफिज साहब ही हो गए। आगे मुबीन हाफिज साहब और हेलो प्रकार इवत्तु नानु ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾವಿನ ತನಕ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇಮಾಮತ್ತನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮಾಜನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಸಾಧ್ಯನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮಾತ್ನವರೇನಿದಾರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು, ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಬೈಗುಳವನ್ನು ಬೈದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಂಭಾಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೆಲೆಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಆ ಯಾಸಿನ್ ಸಾಬ್ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗರಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಸ್ತವಾಂಶವನ್ನ ನಾನು ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗರಿಕರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಹಾಫಿಜ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಫಿಜ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗುರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಹೇಬು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಜನಗಳನ್ನ ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಹ ನಾವು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಅವರು ಮಸೀದಿಯ ದುಡ್ಡನ್ನ ಯಾರೇ ತಿಂದಿರಲಿ ತಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನಗೇನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂಗೋಸ್ಕರ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಸೀದಿಯ ಕಡೆ ಜನಗಳನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಬೀನ್ ಹಾಫಿಜ್ ಸಾಬ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಆರೋಪಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ಇವತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಬೀನ್ ಹಾಫಿಜ್ ಸಾಬ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಸೀದಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಬೀನ್ ಹಾಫಿಜ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಮಸೀದಿಗೆ ಮುಬೀನ್ ಸಾಬ್ ಅವರೇ ಇಮಾಮತ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫಿಜ್ ಸಾಬ್ ಅವರ ವಿಚಾರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಹಾಫಿಜ್ ಸಾಬು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳಿಂದ ಬೈ
ಐತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಬಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆಫೀಸ್ ಅವರದು ಯಾವುದೇ ತರ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತವರು ಸಾಕಷ್ಟು ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಪ್ಪಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಆಫೀಸ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಬಾವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಜೆಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಆರೋಪ ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತಕ್ಕಂತದ್ದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪರ್ಸನ್ ಖಲಂದರ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಪಿ ವಲಿ ಭಾಷಾ ಜೆಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬಳ್ಳಾರಿ